जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में सर्व हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मिशनरी एक्टिव हुए हैं, नारायणपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण करा रहे हैं। धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति बना जी? हम लोग आज नारायणपुर में जो घटना हुआ है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वहाँ हमारा जो हिंदू समाज कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी FIR लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है और ईसाई पादरियों को शासन प्रशासन का पूरा संरक्षण है और गली गली में चर्च देखने को मिल जाएगा जो पहले नजर नहीं आता था, और उनके द्वारा बहला फुसला कर धर्मांतरित कर रहे हैं और जो विरोध करते हैं वो जेल में डाला जा रहा है, और जो FIR करते हैं उसमें अन्य करके FIR ही करते हैं। जहां प्रदेश में देखेंगे अन्य ही लिखा रहेगा, और अन्य में जो भी विरोध करेगा वो किसी भी है उसको अंदर कर देते हैं लोग। इसके विरोध में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, ऐसी और आगे कार्रवाई रहेगा तो उसके विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे सर्व हिंदू समाज की ओर से। आज के यह आंदोलन क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के सभी भौगोलिक क्षेत्र पर आक्रामक मतांतरण चल रहा है। आज कोई गली मोहल्ला कोई समाज इससे अछूता नहीं है, और ये धर्मांतरण की गतिविधि पर शासन का भी प्रश्रय है, और इसके विरोध में मतांतरण के विरोध में आज आम हिंदू हिंदू सर्व हिंदू समाज आज यहाँ विरोध के लिए इकट्ठा हुआ।